ग्लैमर की दुनिया में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपने दमदार अभिनय से पहचानी जाती हैं और हमेशा सुर्खियों में भी बनी रहती हैं। मीडिया के कैमरे हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि कौन सी एक्ट्रेस अब क्या नया कदम उठाने जा रही हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी भी अभिनेत्रियां हैं जो अपने स्वभाव से काफी ज्यादा घमंडी कहलाई जाती है। यहाँ तक कि इनके अजीब बर्ताव की वजह से इन्हें कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं टीवी की कुछ ऐसी घमंडी एक्ट्रेसेस के बारे में जिनके तेवर देखकर लोगों के होश भी कई बार उड़ जाते हैं। इस लिस्ट में नंबर वन पर नाम आता है टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट का। यूं तो जेनिफर को लोग बेहद पसंद करते हैं, लेकिन इनका घमंड भी सातवें आसमान पर ही रहता है। कई बार ऐसे मौके भी आए जब इन्हें सेट पर गुस्सा करते हुए देखा जाता है। कई बार तो इनका गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि सेट से ही वापस घर चली जाती है। वेल शो बेहद में भी इनका गुस्सा साफ तौर पर सभी देख चुके हैं। कुछ वक्त पहले एक अवार्ड फंक्शन के दौरान भी एक्ट्रेस अपने एक्स हस्बैंड पर भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए देखी गई थी। नंबर दो पर नाम आता है हीना खान का। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से अक्षरा बद्ध टीवी के सबसे पॉपुलर बहू बनने वाली एक्ट्रेस हीना खान बेहद सक्सेसफुल एक्ट्रेस मानी जाती है। लेकिन हीना को उनके नखरेबाज और झगड़ालू नेचर के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है। बिग बॉस सीजन 11 में भी हीना अपना गुस्सा वाला रूप दिखा चुकी है। कहा तो ये भी जाता है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब हीना एक संस्कारी बहू के रूप में जानी जाने लगी थी, तब हीना ने मेकर्स के ना चाहते हुए भी अपनी मर्जी से शो को छोड़ दिया था। नंबर तीन पर नाम आता है अंकिता लोखंडे का। टीवी शो पवित्र रिश्ता से घर घर में अर्चना के नाम से जानी जाने वाली संस्कारी बहू अंकिता लोखंडे भी अपने घमंड के लिए काफी ज्यादा जानी जाती हैं। कहा जाता है कि शो में आशा नेगी ने उनके घमंड के चलते ही शो से खुद किनारा कर लिया था। कई बार आशा नेगी और अंकिता के अनबन की खबरें भी चर्चा बटोर चुकी है, लेकिन फिर भी अंकिता के घमंड में कोई बदलाव नहीं आया है। नंबर चार पर नाम आता है निया शर्मा का। एक हजारों में मेरी बहना है शो से घर घर में फेमस होने वाली एक्ट्रेस निया शर्मा आज टीवी की सबसे पॉपुलर और बोल्ड एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निया अपने नखरों और झगड़ालू नेचर की वजह से भी काफी ज्यादा जानी जाती है। अपने शो जमाई राजा के समय अपने को स्टार रवि दुबे से भी इनके काफी झगड़े होते रहे। हालांकि आज के समय में ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। बावजूद इसके निया शर्मा अपने नखरों के लिए सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर है। नंबर पांच पर नाम आता है शायनी दोषी का। श्रीमद् भगवत महापुराण शो में राधा के किरदार से फेमस होने वाली शायनी के बारे में कहा जाता है कि वो शो के सेट पर ऐसा माहौल बनाकर रखती थी जिसके चलते वो टीवी की घमंडी एक्ट्रेस के लिस्ट में शुमार हो गई। इसके बाद उन्हें किसी भी शो में लीड रोल करते हुए नहीं देखा गया था, जिसकी वजह से शायनी टीवी से भी गायब हो गई थी। मतलब एक्ट्रेस सीरियल पांड्या स्टोर में लीड किरदार निभाते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों, इन सभी एक्ट्रेसेस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इन सभी में से कौन सी एक्ट्रेस आपको सबसे ज्यादा घमंडी लगती है, उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।